अपनी आवाज से देश और दुनिया में जादू बिखेरने वाले सूफी सिंगर जो कि आप सब जानते हैं, जिन्हें परिचय के वो मोहताज नहीं है, मिस्टर रईस अली साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। नागपुर शहर से भी उन्होंने शुरुआत की है, अपने संगीत का सफर उन्होंने महज बहुत छोटी सी उम्र में किया है। आज वो इस लेवल पे है कि देश और दुनिया दोनों जगह वो झंडे गाड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने सफर में या उनकी सफलता में हाथ अगर किसी का रहा है, किसी का कर्म रहा है, तो सरकार ताजुल औलिया का भी रहा है। जैसे कि आप सब जानते हैं, अगस्त माह के शुरुआती दिनों में ही 102 सालाना उर्स जो है ताजुद्दीन औलिया का आने वाला है। उसके मौके पर ताज मीडिया की जानिब से कुछ नई चीज़ आने वाली है नागपुर वासियों के लिए, तो वो क्या होने वाली है, क्या उसमें खास है और कितने सालों के बाद वो आ रहा है नागपुर वासियों के लिए, क्या नई चीज़ आ रही है, वो आज हम खुद सर इससे जानेंगे सीधे। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए हमें। क्या बताना चाहेंगे सर, किस प्रकार से नया कलाम आपका आ रहा है और लोगों को बधाई? सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ नागपुर आवाम का भी और ख़ासकर सैयदना बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह की इनायतों का कि आपने मुझे बचपन से बड़ा नवाजा है और बड़ा प्यार मेरा रहा है सरकार ताजुल औलिया से। हुजूर साबिर पाक की बड़ी ख़ास इनायत ही रही जिस दरबार से मैं मुरीद हूँ। तो ये जो 102वां और सारा है हुजूर बाबा ताज का, इसमें हमने कुछ अलग करने की कोशिश की है जी। क्योंकि आजकल आवाम एक अच्छा सुनना पसंद करती है, तो मैंने बुजुर्गों के कलाम और एक अच्छे शायर हैं और फनकार भी हैं सरफराज साबरी साहब, एक कलाम उनका और एक कलाम हसरत मोहानी साहब का मरहूम, तो ये दोनों कलाम मैंने ताज मीडिया से रिकॉर्ड किए हैं जो बहुत जल्द 2 से 3 दिन में आप लोगों तक पहुंचेगा। इसको हमने बॉम्बे में रिकॉर्ड किया है, साजिद वाजिद सर की स्टूडियो में रिकॉर्ड किया है और टेक्निकल सारा काम बहुत हाई लेवल, सारे इंडस्ट्री के म्यूजिशंस हैं। बट इसमें जो बेस्ड है वो ओरिजिनल एक जो कंटेंट है वो कव्वाली का कंटेंट है, यानी जो हमारे बुजुर्गों की रीत रही है उसको मद्देनजर रखकर मैंने इसको रिकॉर्डिंग किया है, ना कि जो आजकल का ट्रेंड चल रहा है। तो हमारे बुजुर्गों की रीत भी इसमें कायम है और इंशाल्लाह मजा आएगा सुन के आप तमाम लोगों को। तो पुरानी चीज भी इसमें है और इसमें नया जो है फ्लेवर वो भी ऐड हुआ है, तो कुछ बेस्ट आने वाला है नागपुर वासियों के लिए। तो ताज मीडिया और रईस अली साबरी दोनों सर का जो कॉम्बिनेशन है बहुत समय से हिट होता आ रहा है और इस बार भी इंशाल्लाह ब्लॉकबस्टर की उम्मीद जनता का रही है। बहुत शुक्रिया सर छोटा सा टाइम हमें देने के लिए, और बस इसी प्रकार हम मिलते रहेंगे अगली खबर के साथ।